दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे YouTube के जो फर्स्ट पेमेंट है वो आज मेरे हाथों में आ चुकी है, मतलब आज ही मेरे बैंक अकाउंट के अंदर आई है। तो ये YouTube की मेरी पेमेंट ये कितनी आई है और दोस्तों इस YouTube के फर्स्ट पेमेंट को पाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करना पड़ा, क्या क्या तकलीफें परेशानी उठाना पड़ा, ये सारी दोस्तों इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो में बनी रही है दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास और नॉलेजेबल होने वाला है। तो छोटी सी रिक्वेस्ट की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मैं आपको मेरी YouTube की पेमेंट कितनी आई और मेरी पूरी YouTube की जर्नी आज की वीडियो में बताता हूँ। तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यास के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, प्यास के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। तू थक हार कर न रुक ए मंजिल के मुसाफिर, तू थक हार कर न रुक ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेंगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों ये जो दो लाइनें हैं मैंने उन सारे यूट्यूबर्स के लिए कही है जो अभी न्यू यूट्यूबर है और जिन्होंने ये ड्रीम्स ये सपना लेके यूट्यूब पे आया है कि वो यूट्यूब के ऊपर एक नाम करना चाहते हैं, फेम करना चाहते हैं, यूट्यूब से कुछ अर्न करना चाहते हैं। वो यूट्यूबर दोस्तों कि जिनका चैनल अभी जो है वो मोनेटाइज नहीं हुआ है, जिनके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ है, या फिर वो यूट्यूबर जिनका चैनल मोनेटाइज हो गया है लेकिन अभी उनके चैनल पे इतने व्यूज नहीं आते हैं और जो दोस्तों डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो उन सारों के लिए दोस्तों ये दो लाइनें मैंने कही है। क्योंकि मैं भी दोस्तों आज से 2 साल पहले एक ऐसा ही न्यू यूट्यूबर था कि दोस्तों जिसके चैनल के ऊपर व्यूज वगैरह नहीं आते थे, लेकिन दोस्तों आज मेरी यूट्यूब की जो पहली पेमेंट है दोस्तों वो आ चुकी है। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको कह रहा हूँ कि डीमोटिवेट होना नहीं है, बस आपको मेहनत करना है, एक ना एक दिन दोस्तों आपको आपकी जो मंजिल है वो जरूर मिलेगी। मैंने भी दोस्तों 2 साल लगातार YouTube के ऊपर मेहनत की है, कई बार डीमोटिवेट भी हुआ है लेकिन दोस्तों अपने आप को खुद ही मैंने इनकरेज किया है और आज दोस्तों मेरे YouTube की जो फर्स्ट पेमेंट है वो मेरे बैंक अकाउंट में सेफली दोस्तों आ चुकी है और इसकी जो खुशी है दोस्तों वो आप ही समझ सकते हैं, मतलब एक यूट्यूबर ही एक दूसरे यूट्यूबर की इस खुशी को समझ सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी पूरी जर्नी बताने वाला हूँ कि किस तरह से मैंने अपने YouTube चैनल की शुरुआत की थी और फर्स्ट पेमेंट के लेने के लिए मुझे क्या क्या तकलीफें उठाना पड़ा, क्या क्या एफर्ट लेना पड़ा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि मैंने YouTube चैनल जो है वो कब शुरू किया था। तो जो पहला लॉकडाउन लगा था दोस्तों मई 2020 के अंदर, मतलब मई 2020 के अंदर दोस्तों, तो मैं घर पे खाली था, तो उस समय मैंने क्या करना है तो चलो कि YouTube चैनल शुरू करते हैं। उसके बाद में दोस्तों मैंने मई 2020 के अंदर एक YouTube चैनल शुरू किया और दोस्तों उसके ऊपर कंटिन्यूसली डेली एक ना एक वीडियो मैं डालते ही रहता था और पूरे चैनल को दोस्तों मेरे जो क्राइटेरिया था मोनेटाइजेशन का 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम, उसको पूरा करने के लिए पूरे दोस्तों मुझको 12 महीने लग चुके थे, 1 साल। हाँ दोस्तों 1 साल बहुत ही ज्यादा मुझे समय लगा क्योंकि मेरे वीडियोस के ऊपर व्यूज नहीं आते थे, मेरे चैनल पे व्यूज नहीं आते थे। और मई 2021 के अंदर पूरे 1 साल बाद दोस्तों मेरा जो चैनल है उसने मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया पूरा किया और दोस्तों मैंने उसको पार्टनर प्रोग्राम के लिए दोस्तों उसको भेजा, मतलब मोनेटाइजेशन के रिव्यू के लिए। और दोस्तों मेरा जो कंटेंट था उसके अंदर कुछ भी कॉपीराइट वगैरह कुछ भी ऐसी चीज नहीं थी, सारा मेरा खुद का था। तो मेरा जो चैनल है दोस्तों सिर्फ 12 घंटे के अंदर अंदर जो था वो मोनेटाइज हो चुका था। तो उस दिन भी मुझे बड़ी खुशी हुई और उसके बाद दोस्तों दूसरे ही दिन से मैंने सारे अपने जितने भी जो वीडियोस थे उस वीडियोस के ऊपर सारी जो दोस्तों एड्स थी उन एड्स को मैंने ऑन कर दिया था। अब इसके बाद थी दोस्तों एड्स ऑन हो चुके थे, मेरी पहली जो अर्निंग थी मतलब यूट्यूब के ऊपर जो पहले दिन की जो अर्निंग थी वो भी दोस्तों अपडेट हो चुकी थी। अब था इंतजार $10 करने का, तो दोस्तों कम से कम 20 से 25 दिन मुझे लगे और मेरे एडसन अकाउंट के अंदर $10 भी जो थे तो वो कंप्लीट हो चुके थे। अब $10 कंप्लीट होने के बाद में दोस्तों हमें एड्रेस वेरिफिकेशन करना पड़ता है, तो उसके बाद मैंने $10 कंप्लीट होने के बाद अपना वेरिफिकेशन वगैरह किया एड्रेस वेरिफिकेशन करने के लिए गूगल एडसेंस की ओर से जो पिन आता है, तो उस पिन को आने को दोस्तों कम से कम 1 महीना मुझे लगा और सही सलामत मेरे घर के ऊपर दोस्तों 1 महीने के अंदर अंदर गूगल का जो पिन रहता है वो भी दोस्तों आ चुका था। और उसके बाद मैंने अपने गूगल एडसेंस के अंदर अपने बैंक अकाउंट वगैरह डिटेल भी दोस्तों उसमें ऐड कर दी। और खास बात यह है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स को यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है कि स्विफ्ट कोड, क्योंकि हमें जो पैसा मिलता है वो डॉलर के अंदर मिलता है और डॉलर को INR में कन्वर्ट करने के लिए कुछ फीस वगैरह लगती है और डायरेक्टली वो हमारे बैंक अकाउंट में नहीं आता है, तो वहाँ पे हमें अपने बैंक का स्विफ्ट कोड देना पड़ता है। तो यहाँ प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों कि हमारी जो बैंक होती है
तो उसके जो ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं होता है, मतलब सभी ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं होता है। तो यहाँ पे मेरे साथ भी ऐसे हुआ, मैंने अपना SBI का अकाउंट ऐड किया था तो मेरी जो होम ब्रांच थी उसका स्विफ्ट कोड नहीं था। तो मैंने क्या किया कि मेरे होम ब्रांच से करीब 300 किलोमीटर दूर जो SBI की मेन हेड ब्रांच थी उसका स्विफ्ट कोड था, तो मैंने वो स्विफ्ट कोड वहाँ पे दोस्तों इंटर कर दिया। तो $10 होने के बाद में गूगल पिन का जो वेरिफिकेशन होने के बाद में और बैंक अकाउंट डिटेल सारी चीजें ऐड करने के बाद में दोस्तों अब मुझे इंतजार था कि कब $100 पूरे होंगे। तो दोस्तों जो $100 पूरे होने के बाद में कम से कम आपके गूगल एडसेंस के अंदर जब $100 होते हैं तभी दोस्तों आपका जो पेमेंट है वो आपके बैंक अकाउंट में आता है। तो दोस्तों प्रॉब्लम यही थी कि जो $100 कंप्लीट करने के अंदर ही मुझे दोस्तों बहुत समय लग गया। अब बहुत समय मतलब कि मई के अंदर मेरा मोनेटाइजेशन हुआ चैनल, एक साल उसमें लग गया। और उसके बाद में दोस्तों मई के बाद में जो मेरी अर्निंग शुरू हुई तो कुछ कम ज्यादा कुछ व्यूज आते थे नहीं आते थे, इस तरह से दोस्तों अर्निंग शुरू हुई। और आज मतलब 21 जनवरी 2022 यानी कि 21 जनवरी 2022 को दोस्तों मुझे गूगल एडसेंस की ओर से शाम के 7 बजे मुझे एक ईमेल आता है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, वो ईमेल ये था कि आपकी जो पेमेंट है यूट्यूब की वो रिलीज कर दी गई है, मतलब मेरे एडसेंस अकाउंट के अंदर $100 से ज्यादा हो चुके थे। उसके बाद में दोस्तों मुझे 21 जनवरी को ईमेल आता है, लेकिन 21 जनवरी का जो दिन था वो फ्राइडे था। उसके बाद में सैटरडे संडे को भी बैंक को छुट्टी थी और संडे को भी बैंक की छुट्टी थी। अब मेरे मन में दोस्तों खुशी भी थी और कहीं ना कहीं थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा कंफ्यूजन भी था, थोड़ा प्रॉब्लम भी था कि भाई मेरा जो पेमेंट है वो सही सलामत मेरे बैंक अकाउंट में आता है या नहीं, या फिर स्विफ्ट कोड को लेकर कोई प्रॉब्लम। तो दोस्तों सैटरडे संडे गुजर जाने के बाद में मंडे के दिन सुबह सुबह मुझे एक मैसेज आता है SBI की ओर से, ये मैसेज आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और उसके बाद में दोस्तों दोपहर में 3 बजे के वक्त मेरा जो YouTube का जो पेमेंट है दोस्तों वो सेफली मेरे बैंक अकाउंट के अंदर आ गया था, मतलब किसी भी तरह की मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई स्विफ्ट कोड के लेके या किसी भी तरह से। तो दोस्तों इस तरह से मेरा जो फर्स्ट पेमेंट है वो मेरे बैंक अकाउंट के अंदर दोस्तों सेफली आ गया। और तो दोस्तों फाइनली आप सब जानना चाहते होंगे कि मेरी जो YouTube की पेमेंट है फर्स्ट पेमेंट वो कितनी आई। तो दोस्तों मेरे YouTube की जो फर्स्ट पेमेंट है वो इतनी आई है कि उससे दोस्तों मैं एक Poco C3 मोबाइल को बाय कर सकता हूँ दोस्तों। हाँ, Poco C3 मोबाइल को मैं दोस्तों बाय कर सकता हूँ, इतनी मेरी पहली फर्स्ट YouTube की फर्स्ट पेमेंट आई है। तो अब आप दोस्तों गूगल पे जाके या अमेजोन पे जाके Poco C3 मोबाइल कितने का है, इसकी क्या प्राइस है, ये आप देख सकते हो। दोस्तों आपको भी हार नहीं मानना है और कंटिन्यू आपको मेहनत करते रहना है, एक दिन दोस्तों आप भी YouTube के ऊपर जरूर सक्सेस होंगे और आपकी भी YouTube की फर्स्ट पेमेंट जरूर आएंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।